भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के नेहरू युवा केंद्र संगठन जयपुर की ओर से 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। नेहरू युवा केंद्र संगठन के निदेशक डॉक्टर भुवनेश जैन ने बताया कि कार्यशाला के दौरान युवाओं में मादक पदार्थ एवं शराब सेवन रोकथाम को लेकर विशेषज्ञों द्वारा युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य के विभिन्न जिलों से आए लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। कार्यशाला के दूसरे दिन आज नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा समन्वयक महेश शर्मा सहित कई विशेषज्ञ और प्रशिक्षणार्थी उपस्थित थे। जो कार्यक्रम रखा है यहाँ, तो इसका जो मकसद ये है कि राज्य के अंदर 1300 से अधिक नौजवानों के युवा जत्थे तैयार करने हैं जो मादक पदार्थों के दुरुपयोग और शराब सेवन की रोकथाम में अपना जो है योगदान दे सके। तो उनको यहाँ आमंत्रित किया है ताकि वो ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से, प्रभावशाली तरीके से अपने अपने जिलों में जो है वो काम कर सकें। ये जो राज्य स्तरीय कार्यशाला है, इसके पश्चात जयपुर ज़िले में भी इस मादक पदार्थों के सेवन की रोकथाम के लिए, शराब की रोकथाम के लिए हमारे जिला स्तर पर हम कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। ये संपूर्ण ज़िले में सभी ब्लॉक्स में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाना है। इसके लिए 50 लोगों का एक कोर ग्रुप हम तैयार कर रहे हैं और 50 लोग जो अपने कोर ग्रुप में तैयार होंगे वो अपने आसपास के गांवों में इस प्रयास को, हमारे इस प्रयास को आगे बढ़ाएंगे और शराब और मादक पदार्थों के सेवन की रोकथाम के लिए काम करेंगे।